गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास थर्ड सब्जेक्ट साइंस चैप्टर 8 एयर एंड वाटर। ये पार्ट फर्स्ट है आपका एयर। एयर इज ऑल अराउंड अस। एयर हमारे हर जगह आसपास होती है। वी कैन नॉट सी इट, हम उसे देख नहीं सकते, बट वी कैन फील इट, पर उसे महसूस कर सकते हैं। यू मस्ट हैव सीन लीव्स ऑफ द ट्रीज रस्टिंग ऑन अ फ्रेट द कूल ब्रीज। जब हवा चलती है तो आप महसूस कर सकते हैं कि पेड़ की पत्तियां हिल रही होती है, तो उससे पता चलता है कि हवा चल रही है। That proves the presence of air. ये प्रूफ होता है हवा का प्रेजेंस का। We use air for lots of things, including breathing. हम बहुत सी चीजों में एयर का एयर इंक्लूड करते हैं, एयर को लेते हैं, और जैसे कि हम सांस लेते हैं तो उसमें भी हमें एयर चाहिए होती है। Gently moving wind is called breeze. जो हवा धीरे धीरे चलती है उसे breeze कहते हैं। While fast moving wind is called storm. जबकि जो हवा बहुत तेज चलती है उसे storm कहा जाता है। So, it is freezing but storm is harmful. Breeze में freezing होती है, पर जो storm होता है वो हमारे लिए harmful होता है, नुकसानदायक होता है। A storm can uproot tree, damage plant, bank door and window have blow off the roof of the hut. The layer of the air surrounding the earth is called the atmosphere. जो हमारी परत है एटमोस्फेयर की, वो एक जो लेयर की परत है जो हमारे चारों ओर वातावरण फैली हुई है, उसे एटमोस्फेयर कहते हैं। एयर ऑफ द एटमोस्फेयर इज वेरी एम्प्टी स्पेस, देयर इज नो एयर इन स्पेस। कंपोजिशन ऑफ एयर, एयर का कंपोजिशन, एयर इज अ मेड अप ऑफ मेनी गैसेस। एयर हवा जो है बहुत सारी गैसेस से मिलकर बनी है। इट हैज ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन एंड वाटर वेपर, जो कि इसमें ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर है। ए पार्ट ऑफ दीज डस्ट एंड जर्म्स इन टू एयर, जो कि इसके अंदर मिले हुए भी हैं कुछ डस्ट के पार्टिकल, कुछ जर्म्स जो कि हवा में मौजूद हैं। एयर ऑल्सो हैज अ लॉट ऑफ हार्मफुल गैसेज सच एज स्मोक। इसके अंदर बहुत सी हमारे लिए हार्मफुल गैसेज भी होती हैं, जैसे कि स्मोक। स्मोक मेक्स द एयर डर्ट। स्मोक से हवा जो है वो डर्टी हो जाती है, गंदी हो जाती है। इट कॉज पॉल्यूशन डेट मेक पीपल सिक, और यही एक कॉज होता है पॉल्यूशन का, जिससे पॉल्यूशन होता है हवा में और लोग बीमार पड़ते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ एयर, एयर की प्रॉपर्टीज। एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, एयर जो है गैसेस का मिक्सचर है, बहुत सारी गैसेस होती हैं। देयरफॉर इट शो ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस, देयर थ्री मेन प्रॉपर्टीज आर द ऑक्यूपाइड स्पेस एंड गिव स्पेस, एयर हैज वेट, एयर हैज नो कलर टेस्ट स्मेल। इसके अंदर कोई टेस्ट और स्मेल नहीं होता एयर में, एयर का कोई वेट नहीं होता, एयर कोई एक ऑक्यूपाई स्पेस गिविंग शेप, वो किसी भी चीज को, मतलब इसमें अगर एयर भर दी जाए तो उसे एक शेप दे सकती है। यूज ऑफ एयर, एयर का यूजेस। एयर प्रोवाइड दैट गैस एज लिविंग बींग नीड फॉर ब्रीथिंग। जितने भी जंतु होते हैं, जो भी चीजें होती हैं, लिविंग थिंग्स होती हैं, उन्हें ब्रीथिंग जरूरत पड़ती है, जो हवा देती है। एयर आल्सो हेल्प अस बर्ड्स टू फ्लाई इन द स्काई। हवा जो है चिड़ियों को आसमान में, मतलब जब चिड़िया आसमान में उड़ती हैं तो उन हवा की मदद से ही उड़ती हैं। हवा की मदद से ही कपड़े सूखते हैं। आल्सो ड्राई द क्लॉथ फास्टर। हियर हैव टू विंडमिल्स जो चलते हैं, दे मिल्स ग्रीन क्रॉप, पम्प वाटर एंड मेक इलेक्ट्रिसिटी। विंडमिल्स चलते हैं और पम्प वाटर चलते हैं, मेक इलेक्ट्रिसिटी, बिजली बनती है, ये सब हवा से ही होता है। विंड हेल्प अस टू सेल बोट, विंड जो है हेल्प करती है चलने में सेल बोट्स को। एयर इज ऑल्सो फिल्ड इन टू द टायर ऑफ अ व्हीकल, और एयर ही व्हीकल्स के टायर में भर के व्हीकल्स चलता है। कोई भी इंजन चीजें जो पहिए होते हैं कार के, बाइक्स के, स्कूटी वगैरह जो भी व्हीकल है उसके। क्लीन एयर, क्लीन एयर कैसी होती है? एयर हैज क्लीन एयर डज नॉट हैवी एंड स्मेल ऑन कलर। क्लीन एयर कोई ऐसा नहीं होती है स्मेल, उसमें कोई कलर होता है या फिर उसमें खुशबू बदबू होती है। क्लीन एयर कीप अस हेल्दी, बस क्लीन एयर हम लोगों को स्वस्थ रखती है। जस्ट लाइक अ ह्यूमन बींग, प्लांट एनिमल आल्सो नीड क्लीन एयर। और जितने भी जीव जंतु होते हैं उन सबको एक साफ स्वच्छ हवा की जरूरत होती है। ए प्लेस विद द लार्ज नंबर ऑफ प्लांट हैज क्लीन एयर, जहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे लगे होते हैं वहां की हवा साफ होती है। ए फॉरेस्ट देयर फोर हैज क्लीन एयर, जंगल की हवा बहुत स्वच्छ होती है क्योंकि वहां बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं। सिटीज डू नॉट हैव क्लीन एयर, शहरों की हवा क्लीन नहीं होती है। दिस इज बिकॉज सिटी हैव अ लार्ज नंबर ऑफ मोटर व्हीकल्स, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे मोटर व्हीकल्स होते हैं जिसमें से धुआं निकल रहा होता है, इंडस्ट्रीज हैं जहाँ धुआं निकल रहा है, तो ऐसे ही यहाँ की एयर बहुत पॉल्यूटेड हो जाती है।
एंड फैक्ट्री पे जहाँ साल से, इसलिए इसमें गैसेस निकलती हैं ऐसी जो हमारे लिए हार्मफुल होती हैं, जो हमारे लिए नुकसानदायक होती हैं। वाटर, वाटर इज एसेंशियल फॉर सर्वाइविंग लाइफ। कोई भी जीव जंतुओं से पीने के लिए पानी तो चाहिए ही होता है। प्लांट्स, एनिमल, ह्यूमन बींग नीड वाटर। जितने भी प्लांट्स हैं, ह्यूमन बींग है, सबको पानी चाहिए होता है। वी यूज वाटर फॉर मैनी पर्पज। हम बहुत अलग अलग तरीके से अपने घरों में, घर के बाहर, हर जगह पानी का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि पीने के लिए, खाना बनाने के लिए, कपड़े धोने के लिए, सफाई के लिए, नहाने के लिए। वाटर कवर्स अबाउट 3/4 ऑफ द अर्थ सर्फेस। 3/4 भाग हमारे अर्थ का पानी से घिरा हुआ है। बट फ्रेश वाटर इज अवेलेबल इन वेरी स्मॉल क्वान्टिटी ऑफ द टोटल वाटर ऑफ द अर्थ। पर एक बहुत कम पीने के योग्य पानी है। द रेस्ट इज आइदर इज अ फॉर्म ऑफ सी वाटर डेट इज साल्टी, क्योंकि समुद्र का पानी बहुत खारा है। एज आइस कैप इज पोलर रीजन, दैट इज वाई वी ऑफन हियर अबाउट वेरी स्कैर्टी इन मैनी एरियाज। इसलिए पानी की दिन पे दिन कमी होती जा रही है, तो पानी को हमें बहुत ध्यान से खर्च करना चाहिए, क्योंकि पीने योग्य पानी बहुत कम है। नाउ स्टेट्स ऑफ वाटर हम आपको कल पढ़ाएंगे। ये आपका चैप्टर 8 का फर्स्ट पार्ट था, स्टेट्स ऑफ वाटर, में इवेपोरेशन, कंडेंसेशन और फ्रीजिंग वगैरह के बारे में आपको कल एक्सप्लेन करेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड क्लास। थैंक यू।